नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो राजस्थान में सारा झगड़ा, सारा लफड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हो रहा है और नाम आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वसुंधरा राजे सिंधिया का इस सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में क्या लेना देना है। नाम कौन लाया? नाम लाए हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल कौन है? नागौर से सांसद हैं, एनडीए के साथी हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनकी पार्टी है। बहुत पहले वो बीजेपी में हुआ करते थे जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुआ करती थी, और तब विधानसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल जितना विरोध अपनी ही मुख्यमंत्री का करते थे, उतना विरोध तो कांग्रेस के विधायक भी नहीं करते थे। एक दो बार तो उनको पार्टी से, विधानसभा की कार्रवाई से उनको निकाला भी गया था, उनके बयानों को, और उनको सस्पेंड भी किया गया था। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल के उस बयान को क्या हम संदिग्ध माने या उन आरोपों में सच्चाई माने जिसमें वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में मदद कर रही है, उनके पास बाकायदा सबूत है कि सीकर और नागौर के कुछ जाट विधायकों को वसुंधरा ने खुद फ़ोन किया और ये कहा कि वो सचिन पायलट का साथ नहीं दें, ऐसे समय में मैं अशोक गहलोत का साथ दें। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वसुंधरा ऐसा कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। हम हनुमान बेनीवाल के बयानों की ना पुष्टि कर रहे हैं, ना उसका हम खंडन कर रहे हैं, ना उसका हम मंडन कर रहे हैं। आप ध्यान रखिए, ये बयान है, राजनीतिक बयान है, इसको आप जिस चाहे जिस रूप में ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वसुंधरा ऐसा क्यों चाहेगी। उधर सचिन पायलट ने एक आरोप लगाया था कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी वसुंधरा राजे सिंधिया का बंगला खाली नहीं कराया जा रहा है, उनके समय में खनन घोटाले बहुत हुए थे। तो ये बयान भी वापस नए तरीके से सामने आया है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों ने इन बयानों का खंडन किया है, हनुमान बेनीवाल के बयान का भी खंडन किया है। लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चलती रही है कि अशोक गहलोत थोड़ा नरम रुख रखते हैं वसुंधरा के प्रति, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कायदे से उनका बंगला खाली करा लिया जाना चाहिए था, लेकिन अशोक गहलोत ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, उस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, इस तरह की कभी अपनी तरफ से बयान भी जारी नहीं किया। हैरानी की बात है, पिछले 6-7 दिन से ये राजनीतिक रस्साकशी का दौर चल रहा है, इस दौरान भी वसुंधरा राजे का भी कोई बयान नहीं आया है। जयपुर के अंदर पहले कहा गया कि कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें वसुंधरा भी शामिल होंगी, फिर कहा गया कि वसुंधरा झालरापाटन में है, धौलपुर पहुंच गई हैं, जयपुर आने वाली हैं, फिर कहा गया कि चूंकि पायलट कैंप की तरफ से ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है और बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने के मूड में नहीं है, यानी बीजेपी की तरफ से राजनीतिक फ्रंट पे कुछ और कदम नहीं उठाया जा रहा है, इसलिए वसुंधरा को जयपुर आने की ज़रूरत नहीं है, अब ये वसुंधरा को बचाने की कवायद है थी या फिर कोई राजनीतिक बयानबाजी, ये अंदाज़ा आप लगाइए। हाँ, एक बात है कि 72 विधायक हैं बीजेपी के, जिसमें से 45 वसुंधरा के माने जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जहाँ पहले ये कही जा रही थी कि सचिन पायलट बीजेपी में आ जाएंगे तो उनको कोई राजनीतिक हैसियत मिलेगी या उन्हें मुख्यमंत्री अगर बना दिया जाता है, तो ये बात तो किसी भी हाल में वसुंधरा राजे हजम नहीं कर सकती। वो तो विपक्ष का नेता उनके हिसाब से बने जब वो विपक्ष में हो, प्रदेश अध्यक्ष उनके हिसाब से बने जब वो विपक्ष में हो, और सत्ता पक्ष में तो खैर उनके हिसाब से बनता ही है। इस तरह की बात करती रही हैं। राजनाथ सिंह को नाको चने चबवा दिए थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इस्तीफा नहीं दिया था। यहाँ भी अपनी पसंद के लोगों को वो नियुक्तियाँ दिलवाने में कामयाब काफ़ी हद तक रही, हालांकि इन दिनों थोड़े सितारे उनके नीचे चल रहे हैं, मोदी और अमित शाह। ऐसा माना जाता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जाट नेता हैं, जोधपुर से जल शक्ति मंत्री है, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सचिन पायलट अगर बीजेपी में आ जाते, मुख्यमंत्री बनकर भी नहीं, किसी अन्य पद की हैसियत से भी, तो एक नया पावर सेंटर खुल जाता। एक पावर सेंटर गजेंद्र सिंह शेखावत का है, एक सतीश पूनिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, आखिर उनमें भी एम्बिशन होगी प्रदेश अध्यक्ष है तो मुख्यमंत्री बनने की। गुलाबचंद कटारिया विपक्ष के नेता हैं सदन के अंदर, ऊपर से सचिन पायलट। तो ऐसे में और ज़्यादा दावेदार ना हो, शायद हो सकता है कि वसुंधरा की नज़र इस पर हो। लेकिन अभी तक जितने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उस पर वसुंधरा के समर्थकों ने ज़रूर सफाई दी है। वसुंधरा राजे सिंधिया खुलकर अपनी तरफ से ना उन्होंने ट्वीट किया है, ना वो सामने आई हैं,
और ना ही उन्होंने इस झगड़े पर ही किसी तरह का ट्वीट किया है या इस पर कोई बयानबाजी की है। कुल मिलाकर अभी तक बिल्कुल जैसे हम कहते हैं निर्लिप्त सी हैं वसुंधरा राजे। वो एक शेर है कि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। ABP News आपको रखे आगे।